हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की ये नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मशीन। तो मशीन के लिए मैंने अपने डिटेल में जो वीडियो डाले हैं उनको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, ठीक है, और आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि आपके अभी एग्ज़ाम BTUP के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित। तो मशीन के लिए आप लोग को जानते भी हैं, ठीक है, मशीन क्या है। मशीन एक वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कम प्रयास लगाकर अधिक भार को नियंत्रित या उठा सकते हैं, वो हमारे पास मशीन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर हम जो मशीन के लिए कहेंगे, ठीक है, मशीन है जो, मशीन क्या है, तो यहाँ ऑप्शन पहला दे रखा है, ठीक है, गति स्थानांतरित करती है, दूसरा उपयोगी कार्य करती है, तीसरा आपको दे रखा है लिंकों के साथ परस्पर गति होती है, कोई लिंक, ठीक है, मेंबर होते हैं, कई लिंक मेंबर होते हैं। यहाँ पर आपका जो मशीन का, मशीन क्या है, सही ऑप्शन आपका बी है, उपयोगी कार्य करती है, ठीक है। मशीन क्या है, उपयोगी कार्य करती है, जिसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख रखी है, तो इसको आप लोग समझ गए ना। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मशीन की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, मशीन वह है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को प्रयोग करके किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोगी कार्य करती है। जैसे आईसी इंजन, ठीक है, आईसी इंजन में गैस के ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और सेकंड क्वेश्चन है, किसी मशीन के लिए यांत्रिक लाभ होता है, या यांत्रिक लाभ कहते हैं, मशीन का यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक है, क्या है, भार W तथा प्रयास P का अनुपात मशीन का यांत्रिक लाभ कहलाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ठीक है, इस पे आप फोकस रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, हम क्या बोलते हैं यांत्रिक लाभ को, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसके लिए शॉर्ट में MA बोलते हैं। MA हमारे पास कहलाता है W/P, यानी भार अपॉन प्रयास के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं, ठीक है। आंसर हमने लिख रखा है, ठीक है, आंसर हमने लिखा है, ए ऑप्शन सही है। किसी मशीन या साधारण मशीन के लिए, यहाँ वर्ड यूज करें साधारण मशीन के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी मशीन के लिए नहीं, साधारण मशीन के लिए मशीन द्वारा उठाए गए भार W तथा मशीन पर लगाए गए प्रयास P के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ का हमने फार्मूला लिख रखा है, ठीक है, यांत्रिक लाभ का फार्मूला लिखा है, यांत्रिक लाभ के लिए क्या बोलते हैं शॉर्टकट में MA, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी मशीन के लिए वेगा अनुपात होता है, वेगा अनुपात को हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में BR से यूज करते हैं, BR, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो वेगा अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम BR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका, इसमें देखिए सभी ऑप्शन जो हैं उनको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो राइट ऑप्शन है उसी को केवल बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को मशीन का वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक, प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को मशीन का वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, मैंने डेफिनेशन भी इसकी लिख रखी है, ठीक है, ये आंसर लिख रखा है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी को वेलोसिटी रेशियो या वेग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, किसी मशीन के लिए दक्षता एफिशिएंसी होती है, तो मशीन की जो एफिशिएंसी होती है कार्य करने की दक्षता, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, जिसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, ठीक है, यानी आउटपुट वर्क तथा इनपुट वर्क के अनुपात को मशीन की एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में आप देख लेंगे, निर्गत कार्य तथा निर्दिष्ट कार्य का अनुपात ये एफिशिएंसी कहलाती है। और मशीन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ मैंने इसके लिए फार्मूला लिख रखा है, ठीक है, ये कि दक्षता को हम, जो मशीन की दक्षता है उसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा, ईटा बराबर आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, ठीक है, गुणे 100। तो यहाँ पर आप परसेंट का साइन भी लगा सकते हैं, ईटा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव है, किसी आदर्श मशीन यानी आइडियल मशीन के लिए जो दक्षता है वो क्या होती है, ठीक है। तो आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है, जिसका जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है। केवल कल्पना मात्र ही एक मशीन होती है, मात्र कल्पना मात्र, केवल इस मशीन की हम कल्पना कर सकते हैं। व्यवहार में आदर्श मशीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, 100%, इसका ऑप्शन ए ठीक है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन। ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, जिसका इनपुट वर्क आउटपुट वर्क के बराबर होता है, ठीक है। तो हम अगर ईटा वाले फार्मूले में अगर लगा दें एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, तो आउटपुट जितना है, ठीक है, आउटपुट जितना है आपका उतना ही आपका क्या हो, इनपुट हो, ठीक है, यानी इनपुट बराबर आउटपुट हो गया। तो आउटपुट आपका मान लीजिए कुछ भी है ना, कोई भी आउटपुट है, जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है। तो आपके पास जो ईटा है वो कितना, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट कैंसिल हो जाएगा, केवल 100 रह जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो 100% इसकी एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, वास्तविक मशीन यानी रियल मशीन के लिए दक्षता यानी इफिशेंसी ऑफ रियल मशीन, रियल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, 100% से कुछ कम होती है, ठीक है। अब वो कितनी कम होती है ये डिपेंड करेगी कि मैं मशीन में जो है उसमें फ्रैक्शन लॉस या जो भी लॉसेस हैं जो हम इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट, इनपुट जो है आउटपुट से इनपुट जो है ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है, यानी आउटपुट इनपुट से कम रहता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इसलिए हमारे पास क्या हो जाती है, 100% से कम हो जाती है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, आउटपुट मेरे पास मान लीजिए 2 है और इनपुट मेरे पास 4 है ना, तो ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5, है ना, तो मतलब कम हो गया। 100% की बात करें तो परसेंटेज में इसको निकाल सकते हैं, है ना, 50% हो गया। तो परसेंटेज में बात करें या फिर बगैर परसेंटेज में बात करें तो हमें ये पता लग गया कि जो रियल मशीन है, वास्तविक मशीन, उसकी दक्षता 100% से कम होती है। कितनी कम होती है ये हम नहीं कह सकते, डिपेंड करता मशीन की, मशीन पर निर्भर करता कि कौन सी मशीन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ऑप्शन नंबर बी 100% से कम होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, किसी आदर्श मशीन में निविष्ट की तुलना में निर्गम होता है, यानी इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट इज, ठीक है। तो आइडियल मशीन के लिए, ठीक है, इन्होंने पूछा है आइडियल मशीन के लिए कि आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशन होता है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, इनपुट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और नहीं, किसी आइडियल मशीन के लिए, ठीक है, आइडियल मशीन के लिए निर्गत, और ये यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो विकल्प लगाया है इक्वल, ठीक, सही लगाया हुआ है, ठीक है। आउटपुट और इनपुट क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, इक्वल होते हैं, ठीक है, ये ठीक है, इसको मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा है, ये आंसर लिख रखा है, आदर्श मशीन
में ऊर्जा की हानि नहीं होती है, यानी जो भी हम एनर्जी देते हैं इनपुट के रूप में आइडियल मशीन के लिए, वो इनपुट टोटल का टोटल आउटपुट में चेंज हो जाता है, जबकि वास्तविक मशीन में जो आउटपुट और इनपुट, ठीक है, यानी वास्तविक मशीन में जो आउटपुट एनर्जी है वो इनपुट एनर्जी से, ठीक है, हमेशा कम होती है, ठीक है, इनपुट एनर्जी से आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होती है रियल मशीन के लिए। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। इन एक्चुअल मशीन एम ए यानी मैकेनिकल एडवांटेज, वास्तविक मशीन में यांत्रिक लाभ होता है, ठीक है, वास्तविक मशीन में यांत्रिक लाभ कितना होता है, ठीक है, लेस देन वेलोसिटी रेशियो है, यानी वेग अनुपात से कम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी, ये सी सही है, ठीक है। तो अगर आप ये कहेंगे कि क्यों कम होता है, तो मेरा वीडियो जो है डिस्क्रिप्टिव वाले हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, ये रिलेशन आपको तब समझ में आ पाएगा, ठीक है। अभी आप केवल नोट कर लें और इनको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है वास्तविक मशीन में वेलोसिटी रेशियो का मान मैकेनिकल एडवांटेज से अधिक होता है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा आंसर नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसको मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है, ठीक है, इसको ही नीचे मैंने इसका रीजन दिया है, अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ समझ लें। वास्तविक मशीन में वेलोसिटी रेशियो का मान मैकेनिकल एडवांटेज से अधिक होता है, हम जानते हैं ईटा बराबर, यानी जो हमारे पास ईटा है, ईटा बोलते हैं दक्षता, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। फॉर रियल मशीन के लिए ईटा जो होता है, ठीक है, ईटा की वैल्यू 1 से कम होती है, और ये हम ऊपर वाले रिलेशन में लगा देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जो कि कम हो जाएगा 1 से, और यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन मिलेगा वो मिल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, लेस देन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो अतः हम वास्तविक मशीन की दक्षता 1 से कम होती है ये कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो इसमें दे रखा है एक मशीन जिसकी दक्षता 50% से कम होती है, ऐसी मशीन को यहाँ पर देखना है, तो वह है नॉन रिवर्सिबल, ठीक है, अपरिवर्तनीय। तो अपरिवर्तनीय जो मशीन होती है उसको हम इरिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी मशीन है जिसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी 50% से कम होती है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, और यहाँ हमने लिखाया है इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो वह मशीन जो, देखिए मैंने लिखा है, जब बल को हटा लेते हैं किसी मशीन से, बल को हटा लेते हैं तो उल्टे दिशा में कुछ भी कार्य नहीं करती है, अतः इसकी दक्षता 50% से कम होती है, ऐसी मशीन को हम सेल्फ लॉकिंग मशीन बोलते हैं या नॉन रिवर्सिबल अपरिवर्तनीय मशीन बोलते हैं। रिवर्सिबल मशीन को लिए भी मैंने यहाँ पर छोटा सा शॉर्टकट में डिफाइन किया है, यानी मशीन, कोई भी मशीन, ऐसी मशीन जिससे हम क्या है बल को हटा लेते हैं तो वह उल्टे दिशा में कुछ कार्य करती है, तो ऐसी मशीन को रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं, और ऐसी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो क्या है 50% से, ठीक है, 50% से अधिक होती है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, यानी नॉन रिवर्सिबल मशीन की जो एफिशिएंसी है 50% से कम होती है, और रिवर्सिबल मशीन की, ये रिवर्सिबल मशीन है जिसकी एफिशिएंसी 50% से अधिक होती है और यहाँ ये कम होती है, ठीक है, ये किसकी, सेल्फ लॉकिंग मशीन के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एक साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ 40 हो तथा वेग अनुपात 50 हो तो इसकी दक्षता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 80%। अब इसको आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो दिया है यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज यानी 40 दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो 50 दे रखा है, तो यहाँ हम फार्मूला जानते हैं एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो गुणा 100, यहाँ वैल्यू लगा देंगे 40/50 गुणा 100 बराबर 80%।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा 80%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि एक भार के द्वारा 5 मिलीमीटर दूरी चली जाती है तथा प्रयास के द्वारा 250 मिलीमीटर की दूरी चली जाती है तो सरल मशीन का वेग अनुपात होगा। अब क्वेश्चन को बार बार पढ़ लें, ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है 50। ठीक है, अब आप तो इसको नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या है वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हमें पता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी, ये फार्मूला होता है। तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप, ठीक है, यदि एक भार के द्वारा 50 मिलीमीटर दूरी चली जाती है तथा प्रयास द्वारा 250 मिलीमीटर की दूरी चली जाती है, तो 50 मिलीमीटर की दूरी क्या हो जाएगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, और भार द्वारा चली गई दूरी 5 मिलीमीटर, तो दोनों मिलीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको कन्वर्ट करने के लिए, 50 हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दे रखा है एक मशीन से 900 न्यूटन के भार को उठाने के लिए 100 न्यूटन के प्रयास लगाया गया। एक मशीन से 900 न्यूटन के भार को उठाने के लिए 100 न्यूटन का प्रयास लगाया गया, प्रयास द्वारा चली गई दूरी 100 सेंटीमीटर है, भार को 10 सेंटीमीटर दूरी तक उठाया गया, मशीन की दक्षता क्या है, यानी मशीन की एफिशिएंसी पूछी गई है। तो मशीन की एफिशिएंसी यहाँ पर जो आपको आंसर है वो क्या है, ये आपका बी सही है 90%। इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें दिया है क्या क्या दे रखा है, इसको देख लेते हैं, भार दे रखा है हमें, ठीक है, और एफर्ट प्रयास दे रखा है। तो हमारे पास एक फार्मूला और होता है एफिशिएंसी का, ठीक है, किसी साधारण मशीन की एफिशिएंसी के लिए एफिशिएंसी बराबर आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, और आउटपुट वर्क का फार्मूला होता है डब्ल्यू इंटू एक्स, यानी भार गुणा भार द्वारा चली गई दूरी, भार गुणा भार द्वारा चली गई दूरी, ये हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट वर्क। ठीक है, इनपुट वर्क हमारे पास प्रयास गुणा प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो पी गुणा वाई हमने लिखा है, वाई क्या है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, एक्स क्या है भार द्वारा चली गई दूरी, तो हमने इन दूरियों के लिए यहाँ पर लिख लिया और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एफिशिएंसी का फार्मूला लगा दिया, ठीक है, क्या है डब्ल्यू इंटू एक्स गुणे पी इंटू वाई गुणे 100, हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर गुणे में 100 यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, 100, तो हमारे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा 90, ठीक है, 90%। तो यहाँ पर ये 90% है, ये थोड़ा सा गलत है, क्या आंसर आएगा हमारे पास 90%, ठीक है, 90% हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मशीन का नियम, ठीक है, मशीन का नियम क्या है, मशीन के नियम को यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो मशीन के नियम को हम अगली वीडियो में देखेंगे, बस यहाँ पर हमने केवल इतने क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक देखते हैं, उसके बाद आगे हम देखते हैं मशीन के नियम। यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ये वाला गलत है, यहाँ क्या है 90%। ठीक है, तो वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।